तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो हम लोग आ चुके हैं वापस से और नई वीडियो लेके। तो भाई रैंक पुशिंग के लिए चलो आ जाओ यार, रैंक पुशिंग के लिए बहुत लोग बोलते हैं रैंक पुशिंग के लिए बताओ यार। तो चलो आ जाओ, टिप्स बताता हूँ। तो भाई सबसे पहले यहाँ पे ऐसी जगह उतरने का, बंदे ना उतरते हो ठीक है। और कैरेक्टर स्किल गाड़ियों वाली रखनी है, गाड़ी वाली रखनी ही रखनी क्योंकि तुम्हारी गाड़ी फूट ना जाए। और जहाँ बंदे नहीं हो उसी साइड गाड़ी की तरफ लेके जाने का है। तो ठीक है, चलो मैं पीछे की साइड लेके जा रहा हूँ, देख लो एक बार। ये मील के नीचे की साइड है, यहाँ पर बंदे बहुत कम बंदे उतरते हैं, ज़्यादातर बंदे उतरते ही नहीं हैं ठीक है। और गाड़ी थोड़ी नीचे ऐसे खड़ी करके और यहाँ इसके अंदर घर के अंदर कैंपिंग करते हैं, तो जब तक जोन ना आए तब तक ठीक है। फिर अपने यहाँ से देख लो ये वाला हो गया ठीक है। यहाँ से पास में है यहाँ पे दूसरा कैंपिंग का रूम, देखो यहाँ पे भाई। देखो अब तुम लोग को पहले सबसे पहले गाड़ी छुपानी चाहिए ठीक है। गाड़ी को देख लेगा उसको पता चल जाएगा कि अपने यहाँ पर है, तो गाड़ी अपनी नीचे की साइड छोड़ देते हैं। देखो जैसे कि यहाँ पे मैं नीचे साइड छोड़ देता हूँ, ये नीचे साइड छोड़ दिया हूँ मैं, अभी ऊपर आ रहा हूँ। चलो ऊपर आते हैं, ऊपर आ रहा हूँ मैं ठीक है, ऊपर ही आ रहा हूँ। ये ऊपर ये यहीं पे बैठना है, एकदम ऊपर ही साइड बैठना है। यहाँ पे देखो ये यहाँ ही पे बैठो ठीक है, सबसे अच्छा। यहाँ से भी देख सकते हो और यहाँ से भी देख सकते हो, बंदा तुमको मार भी नहीं पाएगा ठीक है। और तीसरी टेज की तरफ जहाँ चलते हो, देखो ये यहाँ पर इतनी तगड़ी जगह है ना, ये इतना तगड़ा जगह है भाई, समझ लो यार कोई बंदा देख ही नहीं पाएगा अगर तुम गन लेके उतरो, बिगर गन लेके उतरो भाई। लिटरल यार एकदम जहर गज जगह यार, कोई बंदा अगर तुमको ढूंढ भी नहीं पाएगा कि भाई बंदे हैं कहाँ ठीक है। और इजीली आप पीछे की साइड देखोगे तो पीछे की साइड इजीली मार सकते हो, यहाँ से कोई बंदा चढ़ के आ भी रहा होगा तो मार दोगे इजीली। चलो चलते हैं दूसरी ओर, और फिर यहाँ से कूदा और चलो दूसरी जगह। भाई यहाँ पे मैं नई नई जगह उतर ही रहा था, तो यहाँ पे एक बंदा पीछे कैंपिंग करने के लिए आ गया था और मेरे पास है ट्रियागन। तो भाई ट्रियागन से देखो कितनी गंदी मारता हूँ मैं। एक लॉन्चर मारा मिस हो गया, दूसरा मारा 66 का डैमेज, और तीसरा मारा तो भाई 73 का डैमेज भाई, और चौथी पे ये भाग गया। अब मेरी गन की एमो ख़त्म भाई साहब, ऐसी जगह सीन बहुत गंदा होता है। तो भाई फाइट करने के समय ये देख लेना एमो तो होनी चाहिए भाई, नहीं एमो नहीं तो ही गई। अभी वो उतरा ही है तो उसके पास मेडी नहीं होगी लगभग, तो चलो अपने MP5 से उड़ा देते उसको। तो यहाँ मैंने ग्लोल गिरा दिए और इसको मैं उड़ा दूंगा। ये उड़ गया उड़ गया उड़ गया उड़ गया, 12 भाई कहाँ चला गया, नीचे कूद गया, गया 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 गया। अब ये गया हेड पड़ी गिल भाई, ये सोनिया गांधी भाई बहुत ख़राब है। चलो कोई नहीं यार, और लूटने के बाद मैं चलता हूँ दूसरी कैंपिंग की ओर। भाई तुमको कैंपिंग बता बता के बता दूंगा ना भाई, तो तुम लोग कैंपिंग कर करके ग्रैंड मास्टर ही पहुँच जाओगे। पीछे के साइड एक बहुत तगड़ी जगह, पूरी स्क्वाड भी रस कर देगी ना भाई, तो तुम आराम से सर्वाइव मार सकते हो, बंदे को दिखाई भी नहीं दोगे। यहाँ पे बहुत कम बंदे आते, बहुत कम मतलब बहुत कम बंदे यार, समझ लो बहुत कम बंदे आते हैं यहाँ पे। और बैठे रहोगे बंदे पे, मार्ग नहीं आएगा, बंदे लूट लाट के चले भी जाएंगे, बताओ यार इतना अच्छी जगह बता रहा हूँ तुमको। और एक और जगह यहाँ पे इसके बाजू में ही है, यहीं पे पास में ही है, देखो उस साइड बताता हूँ। ये देखो यहाँ पे इधर भाई छुप के बैठ गए ना भाई, नहीं देख पाएगा कोई भी, अगर स्क्वाड अगर ऊपर से देख लिए तो मार देगी, नहीं तो भाई कोई नहीं देख पाएगा। और जो बंदे बोलते पानी में सर्वाइव नहीं कर पाते भाई, पानी में कौन सर्वाइव नहीं कर पाता भाई। देखो यहाँ पर ये यहाँ पर ऐसे तुम ऐसे रहोगे ना, कोई बंदा ऊपर से भी नहीं देख पाएगा ना साइड से देख पाएगा तुमको, कितनी तगड़ी जगह है देख लो, बताओ यार।